नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस कोरोना काल में सैकड़ों लोगों का मसीहा बनकर उभरे। वो ना सिर्फ सड़कों पर उतर कर बल्कि सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों को भी सहायता पहुंचाते दिखे हैं। उन्होंने इस तरह कई लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। हाल ही में हमने आपको बताया था कि सोनू सूद भारत के करीब 3000 स्टूडेंट्स की मदद के लिए आगे आए हैं जो किर्गिस्तान में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो सभी वहीं फंस गए। पर उन छात्रों की मदद कर एक्टर सोनू सूद एक बार फिर लोगों के लिए सुपर हीरो साबित हुए। सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की मदद के लिए स्पाइस जेट से हाथ मिलाया था, जो कि गुरुवार देर रात वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इस बात की जानकारी सोनू सूद ने ट्विटर के जरिए देते हुए स्पाइस जेट को धन्यवाद कहा। वहीं स्क्रीन पर सामने चल रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किर्गिस्तान से आने वाले मेडिकल के छात्रों ने अपने हाथ में सोनू सूद की तस्वीर और साथ ही स्लोगन की तख्ती ले रखी है, जिस पर लिखा है थैंक यू सोनू सूद सर। थैंक यू सर। अगर आप नहीं होते तो पिछले 4 महीने से हम लोग यहाँ फंसे हुए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर सोनू सर एंड स्पाइस जेट एंड वी ऑल लव यू अलॉट। इसके अलावा किर्गिस्तान से आने वाले मेडिकल के छात्रों में से एक काशिफ खान ने बताया कि किस तरह सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे छात्रों को निकाला है। आप खुद ही सुन लीजिए छात्र का ये पूरा बयान। सर, सोनू सूद सर ने हमको यहाँ पे बुलाया सर, किर्गिस्तान से सर 3 महीने से हम लोग फंसे हुए थे, उन्होंने वहाँ से हमें इवैक्यूएट किया। और सर हम बहुत उनको पर्सनली इतना थैंक्स करना चाहते सर कि इंडियन गवर्नमेंट से सर हमारे कोई सुनने वाला नहीं था सर, एम्बेसी हमारी कोई कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं देते था सर। और हमने उनको सर सोनू सूद सर को एक जिम्मेदारी दी कि हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने सर मात्र 3 दिन के अंदर सर हमारे लिए एक फ़्लाइट अरेंज की और आज हम सर आप सबके सामने हैं सर। और सर हम इंडियन गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं सर कि अगर कोई भी बच्चा कहीं भी फंसा हुआ है सर तो उनकी हेल्प करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। और हमें तो ये लगता है कि कोरोना की वैक्सीन की जिम्मेदारी अगर सोनू सूद सर को दे दी जाए तो हो सकता है वो 1 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन भी बना दे सर। थैंक यू सर।